दोस्तों, शुरुआत करने का तरीका यह है कि आप बात करना छोड़ दें और काम करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ना शुरू करिए, और आप दौड़ नहीं सकते तो चलना शुरू करिए, और यदि आप चल भी नहीं सकते तो रेंगना शुरू करिए। लेकिन चलते रहना बहुत ज़रूरी है, और बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें एक चैप्टर तुम्हारा लिखा हुआ जुड़ा हो। और ये हकीकत है कि पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन आसान काम करने वाले के हक में बंजर जमीन है, खुला आसमान नहीं है। और एक सीधी सी बात जो शायद आपके समझ में आए वो ये है कि जब आप एग्ज़ाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हो, उस समय एक टॉपर अपनी नींद छोड़कर पढ़ रहा होता है, और एंड में सिलेबस तो सबका ख़त्म हो ही जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एक रात पहले पढ़ के कोई भी आज तक टॉपर नहीं बन पाया, क्योंकि मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर भीड़ भी नहीं है। और एक बात और सब कुछ ख़त्म, वो यह है कि आगे बढ़ने की भूख होगी, तभी तो पढ़ने की भूख होगी। और मैं जानता हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत नज़दीकियाँ आ चुकी है, बहुत सारा समय चला गया है, लेकिन मेरी ये बात याद रखिए कि जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए, और जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। और सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। और किसी ने कहा है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई मेरी तरह यूं ही सफ़र में रहा। और आज की डेट में सबको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तुम अपना एम्पायर तो बनाओ। और मैं जानता हूँ कि आधी दौड़ निकल चुकी है, अब या तो ठहर कर अफसोस कर लीजिए, या आधा जो ये मौका आपके पास है ये जानकर अपनी पूरी जान लगा दीजिए, और जीवन में रिस्क ज़रूर लीजिए। अगर जीत गए तो लीडर बनोगे, और हार गए तो एक अच्छा गाइड बनोगे। और अगर किसी काम की शुरुआत वाकई करना चाहते हो तो शुरुआत करो, बातें मत करो। और हकीकत है कि उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता जिसने ये मान लिया कि वो हार नहीं मानता। और एक गहरी बात जो शायद आपके दिल तक पहुँचे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में नाकाम नहीं हो रहे हो, तो एक बात ज़रूर मान लेना कि वो काम हर कोई कर सकता है। हमेशा एक बात याद रखिए कि मेहनत का शोर मत मचाइए, क्योंकि झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, और बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि इतनी कोशिश ज़रूर कर लेना अपने जीवन में कि कभी खुद से नाराज़ ना हो, बल्कि खुद पर नाज़ हो।